अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ पुदीना धनिया की चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप गर्मियों में हर खाने के साथ ले सकते हैं, हाजमेदार भी होती है। ये मैंने एक गड्डी धनिया की ले ली है और ये घर का है पुदीना, घर पे लगाया हुआ था मेरी सिस्टर ने, वो मैंने लिया है। और इसको धनिया की समझ लें, एक गड्डी वो है और एक गड्डी धनिया की है। और 7-8 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, तो इसे पीस लेंगे। इसमें एक चम्मच मैं नमक का डाल रही हूँ और एक ही चम्मच मैं लाल मिर्च का, तो और इसमें कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ नमक और लाल मिर्च, और काली मिर्च रह लेगी इसमें। हाफ टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली है। ये मैं सिरका डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, ठीक है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं और दूसरे मसाले भी डाल सकते हैं, और कैरी भी डाल सकते हैं इसमें। मैं कैरी भी डाल रही हूँ उसमें, छिलकों समेत, खट्टी मीठी है। ये हमारी चटनी हो गई है तैयार। ये देखिए, आप किसी भी खाने के साथ आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी है, अपने खाने में शामिल रखिए इसे गर्मियों में तो ख़ास तौर पर। ये मज़ेदार पुदीना धनिया की चटनी तैयार है, बहुत स्पाइसी है, थोड़ी खट्टी भी है, सिरका विनेगर जो डाला है हमने उसकी वजह से। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, आप हर खाने के साथ गर्मियों में स्पेशली ले सकते हैं इसे, हाजमेदार है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द का भी, और हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।